हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। मैं रविनंदन सर, आज आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से एक स्वाय का मान निकलता है आज बहुत ही आसान तरीका से आप लोगों को बता देंगे। और सिर्फ आप लोगों का इतना ही काम है कि आप लोग ध्यान से देखिएगा, अपने ध्यान में एकाग्रता लाइएगा, तभी जा करके समझ में आ जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से बनता है, बिल्कुल विलोपन विधि की तरह हम समीकरण एक और समीकरण दो मान लेंगे। उसके बाद सबसे देखेंगे कि समीकरण में सबसे छोटा कौन है। तो मान लीजिए हम देख रहे हैं कि दोनों समीकरण में इसमें ये थोड़ा इसमें डिजिट कम है, तो इसको हम समीकरण एक से ले लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण एक से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो समीकरण एक से यहां पर क्या हो जाएगा, देख रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं है और इसमें टू आई है, तो हम क्या करेंगे समीकरण एक से में एक्स बराबर कर देंगे। एक्स बराबर क्या कर देंगे, पांच, जो पांच है बराबर में उसको लिख देंगे एक्स बराबर पांच। अब जो यहां पर प्लस टू आई है, इस टू आई को बराबर के उस पार ले जाएंगे। जब उस पार ले जाएंगे तो प्लस टू आई है तो इधर आएगा तो माइनस टू आई हो जाएगा, ये आप लोगों को पता है। इसको कर देंगे समीकरण तीन, ठीक है। जब हम समीकरण तीन को यहां पर नियम समझिए, जब समीकरण तीन बन जाता है तो जब समीकरण एक से तीन बना है तो तीन को हम दो में प्रतिस्थापित करेंगे, यही ध्यान देना है। जब समीकरण तीन एक से बना है तो इसको तीन को हम दो में प्रतिस्थापित करेंगे, और जब समीकरण तीन यहां पर जो बनेगा अगर समीकरण दो से बनेगा तो इस तीन को करेंगे एक में। मान लीजिए कंफ्यूज मत होइए, हम बता रहे हैं, एक दो बनाते बनाते आप लोग समझ जाएंगे किस प्रकार से बन रहा है। तो ध्यान दीजिए, देखिए अब यहां लिखेंगे समीकरण तीन को दो में, क्योंकि एक से किए हैं, एक से तीन बना है तो दो में करेंगे। तो दो में क्या करना पड़ेगा, प्रतिस्थापित करने पर। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा हुआ है प्रतिस्थापन विधि, कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है प्रतिस्थापना विधि, नौ में पाई दे देता है, तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वो यही चीज है प्रतिस्थापन या प्रतिस्थापना। और यहां पर लिखना प्रतिस्थापित करने पर, तो दो में प्रतिस्थापित कर देंगे समीकरण तीन को, तो एक्स बराबर क्या है, पांच माइनस टू आई, ये पांच माइनस टू आई को जहां एक से है वहां पर रख देंगे। तो देखिए टू तो पहले से है, तो टू पहले से है, इसमें क्या है एक्स है, एक्स के जगह पर क्या रखना है पांच माइनस टू आई, तो यहां पर पांच माइनस टू आई रख देंगे, यहां कुछ नहीं है तो कोष्ट कर देंगे, क्योंकि डबल पद में लिखना है तो कोष्ट करके लिखना होगा, ठीक है। अगर सिंगल पद लिखना होता तो क्या करते, यहां पर सीधा गुना लिखते और सिंगल पद लिख डालते, लेकिन यहां तो डबल पद है इसीलिए इसको कोष्ट करके लिखना पड़ेगा। तो पांच माइनस क्या हो जाएगा टू आई, एक्स बराबर इतना है तो एक्स के जगह यहां पर क्या लिख दिया पांच माइनस टू आई। तो आगे ध्यान दीजिए, प्लस थ्री वाई अब बराबर पांच, अब कुछ करना नहीं। अब ये जो है, ये जो टू है इसमें भी गुना है और इसमें भी गुना है, तो दोनों में गुना कर देंगे बारी बारी से, या हो जाएगा बीच में बराबर चिन्ह साइड में, या पांच दूनी दस, दो दूनी के चार वाई, ठीक है, प्लस थ्री वाई बराबर पांच। ध्यान दीजिए अब यहां पर दोनों वाई है, ये प्लस में, ये माइनस में फोर वाई है और ये प्लस में थ्री वाई है,
दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा, बराबर हो जाएगा पांच, और ये दस जो है उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस दस, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस पांच, तो इसलिए वाई बराबर हो जाएगा पांच, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर वाई बराबर क्या आ गया, पांच। ठीक है, अब हम अब y का मान समीकरण किस में रखेंगे, अभी तो इस दोनों में भी रखेंगे तो ठीक है, लेकिन तीन में आसान रहेगा, देखेंगे समीकरण तीन में प्रतिस्थापन विधि से बना रहे तो फायदा होना चाहिए, समीकरण तीन में रखने पर, तो समीकरण तीन में रख दीजिए, समीकरण तीन ये है x बराबर पांच माइनस टू, और गुना हो जाएगा y के जगह क्या है पांच, अब लिख देंगे पांच, तो ये हो जाएगा पांच माइनस दस बराबर माइनस पांच, यानी x बराबर आ गया आपका माइनस पांच, यानी x बराबर माइनस पांच और y बराबर कितना आया है पांच आया है, हम लिख देंगे पांच, और इतना हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए, तो ये थोड़ा अलग है तो इसमें ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि अगर परीक्षा में आ जाए कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है, अब ना कि विलोपन विधि से हल करने लगेगा तो नंबर नहीं मिलेगा, आपका आंसर तो आ जाएगा लेकिन नंबर नहीं मिलेगा, तो इसलिए प्रतिस्थापन विधि में देगा तो प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है, तो देखिए ध्यान दीजिए, इसको समीकरण एक मान लेंगे, ये समीकरण दो हो जाएगा, तो यहां पर तो दोनों में बराबर बराबर ही चीज थोड़ा सा दिया है, क्योंकि इसमें तो कोई सिंगल नहीं है, इसमें भी टू है तीन है ये है, तो क्या करेंगे कि किसी समीकरण को ले लेंगे, मान लीजिए हम समीकरण एक ही ले लेते हैं, समीकरण एक से, तो समीकरण एक में हम करेंगे टू के बराबर, मान लीजिए एक्स के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू एक्स बराबर सीधा लिख देना है जो लास्ट में है, यहाँ जो है उसको लिखने के बाद बराबर कर देंगे, जो बाद बराबर, जो बराबर के बाद है उसको सीधा लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद सोचना है कि जो यहाँ प्लस में रहेगा तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, अब माइनस में रहेगा तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, यही काम करना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि टू एक्स लगा हुआ है, तो अब एक बात और कर देना है कि x बराबर हो जाएगा आठ माइनस थ्री वाई, ये सेम टू सेम करते हैं, और ये दो या इधर गुना है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा भागा, और भागा माने का होता है बाटा। ठीक, इसको समीकरण मान लेंगे तीन, तो क्या हो जाएगा, इसलिए समीकरण तीन को एक से बनाए हैं तो दो में प्रतिस्थापित करेंगे, दो में प्रतिस्थापित करने पर, अब यहां पर ध्यान दीजिए कि प्रतिस्थापित करने पर लिखना है, रखने पर नहीं लिखना है, विद्यार्थी के बनाते बनाते विलोपन विधि में रखने पर ध्यान रहता है, तो ध्यान देना है कि प्रतिस्थापन विधि से बनाते तो प्रतिस्थापित करने पर लिखना है, तो यहां पर ध्यान दीजिए इसको रखना है दो में, तो दो में रखना है तो इस यहां पर ध्यान देंगे हम, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा थ्री और एक्स के जगह पर लिखना है ये, तो ध्यान दीजिए आठ माइनस थ्री वाई बटा टू माइनस टू वाई है और बराबर में है माइनस वन, अब देखिए यही चीज बनाना है आराम से, वाई का मान निकल जाएगा, तो ध्यान दीजिए यहां में हो जाएगा, ये दोनों में गुना हो जाएगा तो अठरी का चौबीस और माइनस हो जाएगा तीतरी का नौ वाई अपाटा दो और माइनस इधर टू वाई है बराबर हो जाएगा माइनस एक। अब यहां पर ध्यान दीजिए यहां बाटा में कुछ नहीं है तो ये कहते हैं बाटा पर घटाव बना देंगे तो हो जाएगा टू एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा टू, तो ये तो जो कितने उतर जाएगा चौबीस माइनस नौ वाई और यहां पर माइनस टू वाई है
तो एक से दो को हम जब कटाएंगे तो हो जाएगा दो, और दो दूनी क्या हो जाएगा चार, और यहां माइनस है तो माइनस लिख देंगे चार वाई, और बराबर में है माइनस एक। ध्यान दीजिएगा 24 माइनस नौ चार तेरह वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर तिरियों गुणा कर दिया तो माइनस एक में दो गुना होगा तो माइनस दो हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस तेरह वाई बराबर माइनस दो, और ये 24 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 24, माइनस तेरह वाई बराबर हो जाएगा माइनस 26, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर हो जाएगा दो, तेरह दूनी 26, ठीक। तो यहां पर हो गया y बराबर दो। तो अब ध्यान दीजिए y का मान हम समीकरण किस में रखेंगे, तीन में। तो लिख देंगे अब y का मान समीकरण तीन में रखने पर, तो समीकरण तीन में रख दीजिए x बराबर आठ माइनस तीन, और y के जगह पे लिख देना है दो, गुना दो हो जाएगा, बाटा में है दो, तो ये हो गया आठ माइनस छ, तीन दूनी छ, बाटा हो जाएगा दो, और इसको बराबर क्या हो जाएगा एक। अब बताइए कैसे होगा, अब एक डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आठ में से छ गया दो, दो बाटा दो कट गया तो क्या हो गया एक, अब तो हुआ एक, तो इसलिए x बराबर एक और y बराबर दो आया यहां पर ऐसा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होगा समझने में तो वीडियो को रोक रोक कर देखिएगा, या पीछे मान लीजिए आगे बढ़ गया तो फिर पीछे करके देखिएगा ध्यान से, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और एक एक बात पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे, तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा तीसरा क्वेश्चन को देखिए, यहां पर y जो है माइनस में है, तो अगर हम y को उधर भेज देते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, तो हम समीकरण एक से बना सकते हैं, समीकरण दो से ही बनाएंगे, तो समीकरण दो से बनाएंगे तो देखिए दोनों में जो है एक दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहां भी टू है, यहां फोर है, यहां नौ अठारह है, अगर आप इसको दो से भाग कर दीजिएगा तो कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन क्यों भाग करेंगे, भाग नहीं करेंगे, या भाग कर भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, तो इसको भाग करके भी लिख सकते हैं इस चीज को, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि दो से भाग लगने वाला है इसमें, तो हम समीकरण एक इसको मान लेंगे, और ये क्या हो जाएगा टू से भाग करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स, ठीक है, प्लस टू वाई बराबर क्या हो जाएगा नौ, हल्का हो गया, ये हो गया समीकरण दो। तो हम किसी भी समीकरण से बना सकते हैं, अगर मान लीजिए एक्स से बनाएंगे तो एक्स को उधर भेजेंगे क्योंकि एक्स माइनस में, तो माइनस में वाला जो होगा और उसके बराबर करना होगा तो उसको उधर भेज देंगे, तो बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा समीकरण एक से मान लीजिए हम बना रहे, तो y को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3y 3x जो है इधर रहने देंगे, तो जब y को उधर भेजना है तो x एक जो है आठ इसको इधर खींच देंगे, तो इधर खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि इधर प्लस है, और बराबर हो जाएगा वाई, बहुत आसान हो गया, यहां पर y बराबर हो गया 3x माइनस 8, तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 3x माइनस 8, ये समीकरण हो जाएगा तीन। तो यहां पर लिख देंगे समीकरण तीन को दो में प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित कीजिए, तो ध्यान दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए यहां पर कट गया, यहां पर दो आया है समीकरण, तो माइनस एक्स प्लस टू, वाई के जगह पर लिखना है हमको इतना, तो ध्यान दीजिए 3x माइनस 8,
बराबर 9। अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा माइनस एक्स प्लस, इसमें गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा, 4 दूनी ये हो जाएगा 8 दूनी 16 बराबर 9। ये दोनों जब लड़ाएंगे तो हो जाएगा माइनस 5x बराबर 9, 16 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 16, 5x बराबर 16 और 9 हो जाएगा 25, तो x बराबर हो जाएगा 5। तो यहाँ पर x बराबर 5 आ गया। अब यहाँ पर अब x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे, 3 में रखने पर यहाँ पर तो रखने पर ही लिखना पड़ेगा, तो y बराबर हो जाएगा 3x, x के जगह पर क्या लिखना है, एक्स बराबर 5, तो यहां पर 5 लिख देंगे, अब माइनस हो जाएगा 8, तो वाई बराबर हो जाएगा 15, और 15 में से 8 गया क्या बन जाएगा 7, तो इसलिए एक्स बराबर 5 और वाई बराबर 7। तो ये जो है आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है चौथा, जो आप लोग इसको बनाकर कमेंट में इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन विद्यार्थी इसको बना पाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बनाने के लिए सीख गए होंगे। अगर मान लीजिए कि फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा कि प्रतिस्थापन विधि हमको समझ में नहीं आया है, तो मैं फिर एक वीडियो उसका बना दूंगा, तो और भी आसानी से कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो मैं इसको बनाने के लिए आप लोग कोशिश कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।